आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं विशेष। अपनी बदजुबानी के लिए मशहूर राज्य मंत्री कृष्ण बेदी एक बार फिर विवादों में हैं, क्योंकि मंत्री जी को मीडिया का शायद खोबिया हो गया है, इसलिए वो मीडिया से जरा दूरी बना रहे हैं। दरअसल कृष्ण बेदी आज कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे, जहां उनकी बैठक में मीडिया की एंट्री पर बैन था। अब सवाल यह है कि आखिर मीडिया की एंट्री पर बैन क्यों? क्या मंत्री जी पिछले कष्ट निवारण की समिति का विवाद उन्हें याद आ गया था? साहब को प्रदेश का मंत्री कहे या फिर विवादों का, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि भले ही बेदी साहब हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हों, लेकिन अपने काम से ज्यादा अपनी बदजुबानी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी एक बार फिर विवादों में हैं, और ये नया विवाद है साहब की मीडिया से दूरी को लेकर। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कृष्ण बेदी ने इस बार बैठक में मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया। कृष्ण बेदी बैठक में जैसे ही हिस्सा लेने जिला सचिवालय पहुँचे तो मीडिया को देखते ही सकपका गए और वहाँ मौजूद अधिकारियों से कहा कि जब मैंने मीडिया को मना किया था तो मीडिया अंदर क्यों आए? जब मीडिया की नो एंट्री के बारे में कृष्ण बेदी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और बात जिला उपायुक्त महोदय पर टाल दी। सर, मीडिया कर्मचारियों को बाहर जाने के निर्देश दिए हैं, क्या आपके आदेशों के अनुसार दिए गए? ये मेरा प्रलोभन है। क्या सर, जो पिछली बार घटनाक्रम हुआ उसके अकॉर्डिंग उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि मीटिंग की कार्रवाई है, मीटिंग में कोई वो नहीं है, आप आगे बाद में बैठ लेते हैं। मंत्री को मीडिया के सवालों से डर लगता है, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम नहीं है, शायद इसीलिए पत्रकारों को कार्यक्रम में आने से रोक दिया गया। मीटिंग इतनी गोपनीय नहीं थी कि कैमरे के सामने ना की जा सके। इसी साल 15 फरवरी को कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान कृष्ण बेदी की जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकले थे जिन्हें सभ्य समाज की भाषा तो कतई नहीं कहा जा सकता, और इस मसले पर बेदी की खूब किरकिरी भी हुई थी कि आखिर एक जिम्मेदार मंत्री ऐसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। जिम्मेदार वाली बात कर रहे हैं तो शायद आईडिया, अरे आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है कि क्यों मीडिया की एंट्री पर कृष्ण बेदी ने लगाया बैन? क्यों इस बार कृष्ण बेदी की बैठक से मीडिया को दूर रखा गया? क्या बेदी को अपनी जुबान पर भरोसा नहीं है? क्या बेदी को डर है कि कहीं उनकी जुबान फिर से ना फिसल जाए? मीडिया से दूरी की बजाय बेदी अपनी जुबान पर नियंत्रण क्यों नहीं रखते? यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विशेष में इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि मीडिया से दूरी बनाए क्यों रखना चाहते हैं राज्य मंत्री कृष्ण बेदी। मीडिया का या तो उनमें खौफ है या फिर फोबिया हो गया, या फिर उन्हें अपनी जुबान पे भरोसा नहीं है कि कब बदजुबानी हो जाए और ये बदजुबानी सुर्खियां बन जाए। कहीं इसलिए तो मीडिया का खौफ नहीं दिखाई दिया, कहीं इसलिए तो मीडिया की एंट्री पर बैन नहीं लगा दिया कष्ट निवारण समिति की इस बैठक में। जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आपने इसको लेकर आदेश दिया था, तो आप उपायुक्त महोदय से पूछिए, आप अभी बाहर जब एंट्री ले रहे थे आपने खुद कहा कि जब मैंने मना किया था तो फिर मीडिया को यहां पर क्यों आने दिया गया? तो मीडिया पर इस बैन को, इस नो एंट्री को क्या समझा जाए? क्या राज्य मंत्री कृष्ण बेदी को अपनी जुबान पर भरोसा नहीं है? क्यों इस बार कृष्ण बेदी की बैठक से मीडिया को दूर रखा गया? ये कई सवाल जहन में उठते हैं। सुमित ओबेरॉय की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, हमारे संवाददाता सुमित ओबेरॉय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। सुमित, आप लोगों ने पूछा कृष्ण बेदी से कि उन्होंने मीडिया को दूर क्यों रखा? सुमित, आवाज मिल रही है आपको?
जी आप लोगों ने राज्य मंत्री से ये पूछा कि मीडिया पर बैन क्यों? जी बिल्कुल, ये सवाल उनसे भी किया गया तो उन्होंने कहना था, उनका इशारा जो था जिला उपायुक्त की तरफ इशारा किया गया, उस मामले पर वो कुछ नहीं बोले। हालांकि जो है गाड़ी से उतरते ही जिला सचिवालय के अंदर जो कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने मंत्री जी पहुंचे थे तो उन्होंने उतरते ही जो है जिला उपायुक्त को ये बात जरूर बोली कि मीडिया को क्यों बुलाया गया। और उसके बाद जो है वहां पर जाकर जो जिला जहां पर ये मीटिंग की जानी थी 203 नंबर कमरे में, वहां पर ये बोला गया कि अगर किसी को फोटो खींचना है तो खींच लीजिए और बाहर चले जाइए। तो सीधा सीधा जो साफ तौर पर जो पिछली बार मंत्री जी की जुबान पिछली थी उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट थी जो मंत्री जी की, वो साफ तौर पर जाहिर हो रही थी और जिसके चलते जिला प्रशासन के इशारे पर जो है मीडिया को वहां से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि पहले भी जो 15 फरवरी को कष्ट निवारण समिति की यमुनानगर के अंदर मीटिंग हुई थी और उसकी अध्यक्षता भी राज्य मंत्री कृष्ण, उस समय जो है म्युनिसिपल इंजीनियर को कृष्ण बेदी ने जो है गाली तक दे डाली थी और बाद में कहा था कि मैंने गाली नहीं दी। हालांकि कैमरों के अंदर जो है साफ तौर पर वो पूरी की पूरी गाली थी, वो रिकॉर्ड थी और कहीं ना कहीं उसके चलते जो इस बार जो मीडिया को देखकर राज्य मंत्री बौखलाहट में नजर आए और उसके बाद जो है जिला प्रशासन के इशारे पर मीडिया को बाहर निकाल दिया गया कि ताकि इस बार भी अगर इस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसा होता है या अधिकारियों के या मंत्री जी की जुबान फिसलती है तो कहीं ना कहीं वो मीडिया के कैमरों में कैद ना हो जाए। इसलिए मीडिया से जो आज साफ तौर पर दूरी बनाई गई और सभी जो मीडिया के साथी थे उनको जो है वो उनका भी यही मानना है कि आगे से वो है इसका ऐसे जो मीटिंग होगी उसका बहिष्कार करेंगे। जी कैमरा ऑफ कर लो, माइक पीछे रखो, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, ये मैसेज दे रहे थे राज्य मंत्री। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इससे तो कहीं ना कहीं यही बात जाहिर होती है कि पहले भी नहीं तो अगर वो जिला कष्ट निवारण समिति की एक ऐसी मीटिंग होती है जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, सभी अधिकारियों को बुलाया जाता है और अक्सर अगर उस चीज को अगर वहां पर कोई अच्छी बात है तो मीडिया कहीं ना कहीं उसको प्रकाशित करता है या टीवी चैनल के जो पत्रकार हैं उसको दिखाते हैं। तो मीडिया से दूरी बनाने का तो जो ये सवाल है अपने आप ही ये सवाल खड़े करता है कि कैमरा अपना बंद कर लीजिए और माइक बंद कर लीजिए। जिस तरीके से पिछली बार भी गाली दी गई और उसके बाद ये भी बोला गया कि अगर मैंने गलती से गाली दे दी है तो उसको डिलीट कर दिया जाए, तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह है कि मंत्री जी को यहाँ पर अपना जो एक व्यवहार है जो एटीट्यूड है वो बदलना होगा। क्योंकि अगर जुबान उनकी फिसलती है तो उसमें पत्रकार, लेकिन वो अपना व्यवहार अपनी बदजुबानी अपना एटीट्यूड बदलने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया दूर रहे उनकी ये कोशिश है, वो अपने ही रंग ढंग में रहेंगे। चलिए बीजेपी से बीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सुमित बने रहिए, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। चौहान साहब नमस्कार। जी नमस्कार। राज्य मंत्री के कष्ट निवारण समिति की बैठक में मीडिया पर बैन लगा दिया गया, पिछली दफा इन्होंने गालियां दी थी वो सुर्खियों में, क्या यही वजह रही थी और ऐसा कब तक चलेगा? मीडिया पर बैन लगाने की बजाय क्या अपने भाषा में थोड़ा सुधार नहीं किया जा सकता? चौहान साहब देखिए, चीजों का विश्लेषण आप चाहें तो किसी भी तरह कर सकते हैं, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और विश्लेषण की स्वतंत्रता भी है। जी मेरी मंत्री जी से तो बात नहीं हुई कि आज उस बैठक से मीडिया को बाहर रहने के लिए क्यों कहा गया, लेकिन अगर उस बैठक से मीडिया के मित्रों को बाहर जाने के लिए कहा गया इसका अर्थ ये नहीं है कि मंत्री बदजुबान हैं और उनकी बदजुबानी बंद नहीं हो रही है जैसा आपने कहा। मुझे आपत्ति है इस भाषा पर, ठीक है मंत्री महोदय, आपत्ति उन्हें भी है जिनके लिए वो बदजुबानी करते हैं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए चौहान साहब, बोलिए। मंत्री महोदय ने आज किस परिस्थिति में मीडिया के मित्रों को बाहर रहने के लिए कहा, उनसे बात किए बिना तो टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हाँ, ठीक है। लेकिन इस सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री सब लोग मीडिया फ्रेंडली हैं और मीडिया की आलोचना से कहीं कोई भागता दिखा नहीं आज तक। हाँ। हम सवालों का सामना भी करते लेकिन हैं, यहाँ पर देखिए आपने बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग मीडिया फ्रेंडली हैं, तमाम दूसरे और भी लोग हैं जो मीडिया फ्रेंडली हैं, केवल यहाँ पर राज्य मंत्री इन्हें ये प्रॉब्लम है कि मीडिया अंदर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने गाड़ी से उतरते ये कहा जब उन्होंने प्रेस को देख लिया कि मीडिया वालों को तो मैंने मना किया था ना, आप लोगों ने फिर इन्हें अंदर क्यों घुसने दिया? इसे हम कैसे समझें कि मीडिया फ्रेंडली है? यही राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जी हाँ निरंतर मीडिया से बातचीत करते हैं, आवश्यकता जहां जहां उनको लगता है मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, मीडिया जब उन तक पहुंचता है प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज की बैठक की कोई स्पेसिफिक परिस्थिति हो सकती है? नहीं सर, चौहान साहब मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल समझ रही हूँ। आपने अभी कहा ना कि आपकी बातचीत नहीं हुई है इसलिए इसमें कुछ कहना शायद जल्दबाजी होगी, आपने ये कहा ना, लेकिन उनसे जब ये सवाल खुद जब मीडिया ने पूछा कि सर बस आप ये बता दीजिए कि ये लोग जो हमें बाहर जाने के लिए कह रहे हैं क्या आपने ये आदेश दिया, उन्होंने इस सवाल का तक जवाब नहीं दिया।
मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हीं को देना होगा, वही दे पाएंगे, या मुझसे आप दोबारा पूछेंगे तो शायद मैं उनसे बात करके कोई उत्तर दे पाऊँ। बिल्कुल, बने रहिए आप मेरे साथ। गवर्नमेंट इज, हाँ हाँ बोलिए 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 चौहान साहब बोलिए। स्पेसिफिक कारण कोई हो सकते हैं और किसी विशेष कारण से एक बैठक से अगर मीडिया के मित्रों को बाहर रहने के लिए अनुरोध किया गया तो इसको मीडिया का अपमान इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हर बैठक में हर स्थान पर मीडिया हो ये भी आवश्यक नहीं। हालांकि मैं निजी तौर पर इस बात का पक्षधर हूं कि जितनी भी हमारी कष्ट निवारण समिति की बैठकें हैं उनमें मीडिया के मित्रों की उपस्थिति से हमको, सरकार को, लोगों को, मंत्री महोदय को, सबको लाभ ही होता है। लेकिन आज इस लाभ को, आज इस लाभ को कृष्ण बेदी साहब ने नहीं देखा। चलिए अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ चौहान साहब। अरविंद जी नमस्कार। जी नमस्कार। मीडिया को कष्ट निवारण समिति की बैठक से दूर रखा गया, हम राज्य मंत्री कृष्ण बेदी की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद मना कर दिया मीडिया की एंट्री पर, उन्होंने एक तरीके से वहां पर बैन लगा दी। पिछली इसे हम पिछले बैठक से जोड़कर क्यों ना देखें जब उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, मीडिया का इस तरह से रोका जाना और उन्हें अंदर नहीं आने देना और जवाब नहीं देना, किस वजह से रोका गया, एक बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मीडिया को दूर किया जा रहा है। क्योंकि पीछे कष्ट निवारण समितियों की जो बैठकें हुई, चाहे वो अनिल विज जी की या कृष्ण बेदी जी की, उन पर सवाल उठते रहे, जिस तरह से वहां उनके झगड़े हुए या जिस तरह की भाषाएं वहां प्रयोग की गई, धमकाया गया, उस सबको टीवी पे दिखाया गया, तो शायद हो सकता है ये लोग नाराज होंगे मीडिया से। क्योंकि पीछे कृष्ण बेदी जी की एक और वीडियो चली थी जिसमें उन्होंने सफाई अभियान को लेकर मोदी जी पर ही बहुत बड़ा सवाल उठा दिया था। बिल्कुल, हमने दिखाया अभी। परंतु ये गलत है, मीडिया एक सच्चाई का आईना जनता के सामने रखता है, उसे इस तरह से नहीं रोका जाना चाहिए। तो मैं तो इसकी भर्सर ना करता हूँ। अभी चौहान साहब हमारे साथ जवाब देना, अभी चौहान साहब हमारे साथ हैं और वो ये बात कह रहे हैं, ठीक भी है कि काफी लोग ऐसे हैं इनके खेमे से भी जो मीडिया फ्रेंडली है, लेकिन कृष्ण बेदी साहब की ओर से आज ऐसा नहीं दिखा। उसके बाद भी चौहान साहब ने ये कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बैठक में मीडिया की उपस्थिति हो, अगर होती है तो हमें लाभ ही होगा। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये मीडिया फ्रेंडली होना एक अलग चीज है। आप तो ये देखिए, जब तक इन्हें लगता है कि मीडिया हमारे हिसाब से हमें ठीक रूप में दिखा रहा है, तब तक ये मीडिया से जुड़े रहेंगे, और जब इन्हें लगेगा कि हमारी कमियां, हमारी गलतियां जनता के सामने जाएंगी, तो मीडिया से दूरी बनाते हैं। कष्ट निवारण समिति में हो सकता है ऐसे मामले रहे हो जो पीछे नहीं सुलझे हो, आज फिर वो खड़े हो जाएं और इन्हें कहीं ऐसा मौका आए कि इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो या कुछ और गलत ये बोल जाएं जैसा पीछे हुआ, जवाब ले लेते हैं। जब तक फायदा होता है मीडिया सामने रहे, नहीं होता है तो कैमरा बंद हो जाए। चौहान साहब, बार प्रतिपक्ष के हमारे मित्र, वो अगर ऐसा होता है, हो सकता है, इस आधार पर टिप्पणियां करते हैं, ये तर्कसंगत बात नहीं है। हम मीडिया का लाभ होता है तभी हम मीडिया के साथ उपस्थित रहते हैं, सामने रहते हैं, और जब नहीं होता तो हम ब्लैकआउट कर देते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं जरा ये बताएं। और जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी के शासनकाल में, पिछले शासनकाल में किस तरह का मीडिया के साथ हुआ था, किस तरह के फर्जी मुकदमे बनाए गए थे, जेलों में डाला गया था, वो समय आप भूल जाते हैं। पत्रकार वार्ताएं छोड़ करके इनके नेता उठकर चले जाते थे। हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं है। आज की स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट है उस पर भी मंत्री महोदय से चर्चा करके कहीं ना कहीं आपके ही चैनल पर भी मैं आकर के उस स्थिति को और उसको उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। परंतु हम लोग मीडिया के कड़वे मीठे तमाम सवालों का उत्तर देते रहे हैं, ये तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इस ट्रैक रिकॉर्ड को आज कृष्ण बेदी साहब ने भेद दिया है। आज उन्होंने ये तक बताना जरूरी नहीं समझा कि उन्होंने मीडिया को क्यों बाहर निकलवाया, ये आदेश उन्होंने दिया भी था या नहीं। हालांकि हमने उनको ये भी हमने चलाया अपने रिपोर्ट में कि वो साफ कैसे मना कर रहे हैं अधिकारियों से, ये कैसे उन्हें एक डांट के लहजे में कह रहे हैं कि जब मैंने मना कर दिया था फिर मीडिया यहाँ पर क्या कर रही है। उन्होंने इस बात का जवाब तक नहीं दिया। आप जिस ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं चौहान साहब, उसे आज कृष्ण बेदी साहब ने भेद दिया है। बहरहाल आप कह रहे हैं आगे भी आप इस पर हमसे जरूर बात करना चाहेंगे, आपका बहुत स्वागत है। अभी आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। कृष्ण बेदी साहब को लेकर जो चर्चा अभी चल रही थी, मीडिया पर बैन, मीडिया के लिए नो एंट्री, एक राज्य मंत्री कृष्ण बेदी साहब के साथ ये उनके शब्द हैं, उनसे जुड़ी ये खबर जिस पर आगे भी हम बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर, बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। सांगवांस डिफेंस अकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए, भोपाराए, सालों साल चलता ही जाए, भोपाराए, भोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला भोपाराए मोटर स्टार्टर। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देसी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देसी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। It's always you taking me through, I say the same old thing with you by my side। ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपके सौफात क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ, लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की, कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमडीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मीडिया के खौफ में क्या मंत्री जी, यही हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो फोबिया दिखा है राजदेव कृष्ण बेदी के उस बैठक में जो कष्ट निवारण समिति के लिए किया गया। इससे पहले जो बैठक हुई थी कष्ट निवारण समिति की, वहां पर उनके मुंह से कुछ ऐसे अपशब्द निकले जिसे मीडिया ने दिखा दिया, तुरंत पकड़ा कैमरे ने और ये खबर सुर्खियां बन गई। और जब राज्य मंत्री के मुंह से अपशब्द निकलेंगे तो सुर्खियां बनेगी ही। इस बार मीडिया पर बैन, मीडिया के लिए नो एंट्री, ये आदेश जो थे वो राज्य मंत्री कृष्ण
कृष्ण बेदी की ओर से, हालांकि बाद में उन्होंने जिला प्रशासन पर डाल दिया कि आप इनसे ही पूछ लीजिए। खुद उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने इस तरह का आदेश क्यों दिया, क्यों इस बार कृष्ण बेदी की बैठक से मीडिया को दूर रखा गया। अब हम ये सवाल तो पूछेंगे ही कि जनाब आपने अगर ये दूरी बनाई तो क्यों बनाई। कुछ सवाल उठते हैं कि क्यों मीडिया की एंट्री पर कृष्ण बेदी ने बैन लगाई, ये सबसे पहला सवाल। उसके बाद जहन में ये है कि क्यों इस बार कृष्ण बेदी की बैठक से मीडिया को दूर रखा गया। क्या बेदी को अपनी जुबान पर भरोसा नहीं है? चूंकि पिछली बार अगर नजर डालें तो यही कुछ दिखेगा कि जो खबरें दिखाई गई वो उनकी बदजुबानी को लेकर। क्या बेदी को डर है कि फिर से कुछ ऐसा ना कह जाए और वही खबर बन जाए? मीडिया से दूरी बनाए रखे जाने के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या बेदी को अपनी जुबान पर भरोसा नहीं है? ये कुछ सवाल उठते हैं जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि कृष्ण बेदी साहब ने अचानक से मीडिया से दूरी बना ली, कहीं उन्हें मीडिया का खौफ तो नहीं हो गया कि कब वो क्या कह रहे हैं वो तुरंत पकड़ में आ जाए? क्या मीडिया का फोबिया हो गया राज्य मंत्री कृष्ण बेदी साहब को? ये कई सवाल। ब्रेक पर जाने से पहले हम बीजेपी से भी बात कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे चौहान साहब, जिनका ये कहना कि बदजुबानी शब्द का आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन राज्य मंत्री जिन अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसे फिर और क्या कहें? शब्दकोश में इसके लिए शब्द ढूंढना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, चूंकि इसे तो बदजुबानी ही कहा जाएगा अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो। और इस दफा उन्होंने मीडिया से जो दूरी बनाई है, कहीं पिछले कड़वे अनुभव तो नहीं रहे ना उनके साथ कि सच को जस का तस दिखा दिया गया, कहीं इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या बेदी साहब को अपने जुबान पर भरोसा नहीं है? ये कई सवाल ऐसे हैं जो उठते हैं, विशेष में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति साहब नमस्कार। नमस्कार जी। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी साहब ने तो मीडिया से दूरी ही बना ली, उनके पिछले अनुभवों को देखते हुए आप क्या कहेंगे? किस मामले में दूरी बनाई है? कष्ट निवारण समिति की बैठक में मीडिया को बाहर कर दिया गया। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी साहब ये कहते दिखे हैं कि जब मीडिया को नहीं आने के लिए कहा था तो फिर मीडिया को क्यों आने दिया गया? पिछले बैठक में हमने दिखाया था कि उन्होंने किस तरह से अपशब्द कहे थे। देखिए उनकी तो आदत है, वो तो कहीं मोदी जी को कहते हैं, ये मोदी जी नरेंद्र मोदी पता नहीं क्या क्या कराएगा। हाँ। और कहीं कुछ इनकी जबान फिसल जाती है। अच्छा। और ये डरते हैं मीडिया के सामने, जो आदमी डरेगा कैसे राजनीति में रहेगा? मीडिया का और पॉलिटिशियन का तो चोली दामन का साथ है। अगर ये मीडिया ना हो ना, ये जो नेता लोग हैं, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। मीडिया तो इनको सिखाता है। लेकिन कृष्ण बेदी साहब को नहीं लगा कि ऐसा कुछ महसूस हो रहा हो? हमें तो यही लग रहा है, अगर उन्होंने मना किया तो हम पीछे झांकेंगे, पीछे झांक कर देखा तो हमें उनकी वही सारे जो रिकॉर्ड है वो नजर आए कि उन्होंने कब कब किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। कहीं यही वजह तो नहीं कि एक खौफ हो गया हो मीडिया को लेकर उनके भीतर? देखिए अनुभवहीन लोग हैं। हाँ। सारे के सारे। हाँ। और इनको ये नहीं पता होता है कि तुम पब्लिक से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गलतियाँ बार बार करते हैं, आप इनकी गलतियाँ उजागर करते हो, तो उनसे बचने के लिए उन्हें कहा हुआ ऐसा सही बात। इसके बाद भी बीजेपी ये कहती है कि हम मीडिया फ्रेंडली हैं। मीडिया फ्रेंडली है? हाँ। ये चौहान साहब बात कर रहे थे अभी हमसे जी? चौहान साहब हमसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग तो मीडिया फ्रेंडली है, ऐसा हो ही नहीं सकता। किशमूति जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मुझे आ रही है आवाज जी। मैं ये कह रही थी कि इसके बाद भी राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने मीडिया पर बैन लगाया, इसके बाद भी चौहान साहब हमारे साथ जुड़े थे, वीरेंद्र सिंह चौहान, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी के तमाम नेता मीडिया फ्रेंडली हैं। देखिए मीडिया फ्रेंडली कहाँ से है ये? हाँ ये मीडिया को तो कई बार ऐसी बातें कही है मीडिया के बारे में, और चौहान साहब खुद मीडिया की तरफ से है इसलिए वो अपने बरादरी की जब के बारे में अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन अगर मीडिया फ्रेंडली होते तो ये मीडिया को क्यों बाहर निकालते हैं? बिल्कुल, हम भी यही सवाल उनसे पूछ रहे थे कि अगर मीडिया फ्रेंडली होते ठीक है आप लोग होंगे, लेकिन कृष्ण बेदी साहब ने तो इस ट्रैक रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं भेद ही दिया है आज मीडिया पर, खैर बैन लगाकर नो एंट्री शब्द उनको चस्पा करके। बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति जी, समय दिया आपने, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ विशेष में फिलहाल के लिए इतना है, नमस्कार।